दोपहर दमदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बड़वानी से बड़ी खबर के सबसे पहले बात, नेशनल हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लगी है। ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर सांगवी फाटे की यह घटना आपको बता रहे हैं। ये ट्रक परचून से भरा हुआ था, दिल्ली से बेंगलोर की तरफ जा रहा था ट्रक और उसमें रखा सामान जलकर खाक हो चुका है। फायर फाइटर भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया पर उससे पहले ही सब कुछ जलकर के खाक हो चुका था। जुलवानिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ट्रक में परचून से लदा हुआ था, आखिर किन्हीं कारणों से आग लगना बताई जा रही है? जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके का मामला सामने है उससे यही लग रहा है प्रथम दृष्टया कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसके चलते ये आग लगी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हाईवे जैसी जो जगह है जहां से दिन भर में हजारों ट्रक गुजरते हैं, ऐसे में वहां पर प्रशासन को चाहिए कि फायर फाइटर जैसी व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सब दुरुस्त होना चाहिए। क्योंकि जब आग लगी थी वो केबिन में लगी थी और पीछे का पूरा माल सुरक्षित था। अगर समय रहते वहां पर फायर फाइटर पहुंच जाता तो ये जो पूरा माल भरा हुआ था जो लाखों रुपए का, वो आग में जलने से बच सकता था। तो कहीं ना कहीं एक चीज देखने में आ रही है कि हाईवे जैसी स्थानों पर जो है फायर फाइटर की विशेष व्यवस्थाएं होना चाहिए। रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। दिल्ली से बड़ी खबर की बात इस वक्त हम करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की यह बड़ी बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं। बैठक में कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, चरण दास महंत, प्रदेश सरकार के कई मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल है। चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस उतर चुकी है और मंथन किया जा रहा है। तो ये खास बैठक हो रही है दिल्ली में, बता दें आपको मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और जो है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद है। मंथन किया जा रहा है आगामी चुनावों को लेकर के, आखिर कितनी खास ये बैठक रहेगी इसके लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे आखिर कितनी खास ये बैठक है। तो दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो रही है, बता दें आपको बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है और राहुल गांधी ये बैठक ले रहे हैं, आखिर कितनी खास ये बैठक है। हमारे साथ सहयोगी रवि सिसोदिया जुट रहे हैं। रवि, बड़ी बैठक बुलाई गई है कांग्रेस द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई, राहुल गांधी बैठक ले भी रहे हैं, आखिर आगामी चुनावों को देखते हुए, आगामी चुनावों के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कल तेलंगाना की बैठक बुलाई थी, चुनावी राज्यों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और उसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के लीडर से उनकी बैठक हो रही है और देर शाम करीब 5 बजे कमलनाथ से उनकी मुलाकात होगी। आज की बैठक की बात करें तो सरकार और संगठन में जो तालमेल की, जो सामंजस्य बनाने की बात की जा रही है, कैसे बेहतर तालमेल हो उस पर भी चर्चा होगी। और आज की बैठक में एक और अहम चीज़ है कि जो सुनील कानूगलू, जो पहले रणनीतिकार भी रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने कर्नाटक में भी कांग्रेस की रणनीति बनाई थी, कल की बैठक में भी, तो आज की बैठक में भी मौजूद है। तो एक तरह से चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, कैसे कैंपेन होगा, क्या कैंपेन है जिसके जरिए चुनाव में जाएगा, और जो स्कीम्स है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की जो स्कीम्स है, उस स्कीम्स को कई जगह कांग्रेस जो अन्य राज्यों में सरकार है वहाँ भी उन स्कीम्स की तारीफ होती रही है, उनको लागू करने की बात भी की जाती रही है। तो उन स्कीम्स को कैसे अमलीजामा पहनाया जाए, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, तो तमाम जो इशूज हैं कैसे एक तो बेहतर तालमेल की बात की जा रही है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो, जो सरकार की स्कीम्स है उस स्कीम से कितना फायदा हो सकता है, और जो सबसे अहम चीज ये भी कही जा रही है कि उस सरकार के अलावा वहाँ पे जो लोग हैं, जो वर्कर्स की बात करें, क्योंकि बीच में ये भी सुनने को आ रहा था कि जो लिस्ट निकाली गई थी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, तो बेहतर तालमेल प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच में भी खटास देखने को मिली थी। तो उन सब इश्यूज को लेकर चर्चा होगी, बेहतर तालमेल सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, साथ लड़ने की बात की जाएगी, सरकार की जो स्कीम्स है उन स्कीम्स का क्या फायदा होगा, इन स्कीम्स को लेकर आगे कैसे चुनाव की रणनीति में लेकर लाया जाए, तो ये इश्यूज है, मेजर इश्यूज है, इनको लेकर चर्चा होगी। और इसी कड़ी में, चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने इससे पहले तेलंगाना की बैठक ली, आज छत्तीसगढ़ की है, देर शाम मध्यप्रदेश से मिलेंगे, 3 तारीख को बताया जाए कि राजस्थान और मिजोरम के लीडर्स के साथ बैठक होगी। एक
समीक्षा की जा रही है। चुनाव अगले 6 महीने में इन राज्यों में होने वाले हैं, पार्टी कैसे वहां मजबूती से चुनाव लड़े, कैसे सरकार रिपीट करे, इन इश्यूज को लेकर चर्चा होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है कांग्रेस की, और इसी को लेकर के बीजेपी ने तंज भी कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया, अब हड़बड़ी में कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर संघर्ष देखने को मिल रहा है। संघर्ष से बचाने के लिए आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई है, कांग्रेस में विवाद और विरोध बढ़ गया है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति जारी करते हैं फिर प्रभारी जारी करते हैं, दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं मालूम। तो ये बड़ा बयान रमन सिंह ने दिया है, आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है आप भी सुनिए। अब हड़बड़ी में है कांग्रेस, आपस में फेरफटवल इतना हो रहा है, विवाद इतना है, विरोध इतना है, एक सूची कोई प्रभारी जारी करती है, दूसरा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जारी करता है, दोनों काम कर रहे हैं कि दोनों काम नहीं कर रहे हैं ये नहीं मालूम है। तो कांग्रेस के अंदर जो आज संघर्ष दिख रहा है, उस संघर्ष को बचाने के लिए उन्होंने आनंद फानंद मीटिंग बुलाई। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूसीसी पर ओबीसी के विरोध को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओबीसी कांग्रेस और अंग्रेजों की जुबान बोल रहे हैं, संविधान में संशोधन का हवाला दे रहे हैं। राजीव गांधी ने शाहबानू प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया था, ओबीसी ने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था और अब यूसीसी का कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में बैठक को लेकर कहा कि घोषणा पत्र दृष्टि पत्र पर चर्चा की बात हो रही है, पुराना घोषणा पत्र का कवर बदल दें, बाकी सब वैसा ही है, क्योंकि ना तो कर्ज माफ कर पाए ना बेरोजगारी भत्ता दे पाए। ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं, उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे हैं। तो नेहरू जी के कारण से उस समय में और अंग्रेजों के कारण से 1954 में और नेहरू जी के कारण से ये हिंदू सिविल कोड लाए और उस तरह की बातें करें। मैंने पहले भी कहा था जी पुराने घोषणा पत्र का ऊपर का कवर बदल दें, वो वैसा का वैसा ही है, न तब कर्जा माफ कर पाए थे ये, न बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे ये, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए थे और कांग्रेस में करने को अब कुछ बचा भी नहीं। ये बैठक में नाराजगी कमलनाथ जी की इसीलिए है कि न तो ये खुद हवा हवाई हो गए और बाकी सब कार्यकर्ता भी हवा हवाई हो गए, कागजों का पेट भर रहे। भोपाल से बड़ी खबर के इस वक्त बात करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया का बयान आया है, रोजगार सहायकों के सम्मेलन पर वो बोले हैं। मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कहा, मुख्यमंत्री जी का हर वर्ग की ओर ध्यान रहता है, बहनों सचिवों से लेकर अब रोजगार सहायकों की बारी है। रोजगार सहायकों के वेतनमान को बढ़ाने के लिए काफी दिनों से मांग हो रही थी।